हेलो गाइस, डिजाइन शो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुकूल कुमार और आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए जिसमें मैं बात करने वाला हूं फोटोशॉप पार्ट 2 के बारे में। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसके ऊपर आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा था गाइस, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने इतना ज्यादा सपोर्ट किया, लाइक किया एंड कमेंट किया। सो इसी तरह अपना सपोर्ट बना के रखिए। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट है वो आपको मिलते रहे। गाइस इस वीडियो के अंदर हम और भी एडवांस बिल्कुल लेवल पर सिलेक्शन को सीखने वाले हैं गाइस। सो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना है क्योंकि मैं कुछ भी यहां पर आपको पुराना नहीं बताने वाला हूं, सब कुछ नया बताने वाला हूं। सो हम थोड़ा सा इसमें रिवीजन कर लेते हैं गाइस। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको रेक्टेंगुलर टूल के बारे में बताया था, यहां पे हमने काफी सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, कुछ यहां पर मैंने सबट्रैक्ट आपका इंटरसेक्ट और भी कुछ यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपको टॉप टॉगल पर, इसको मैंने क्लियर करवाया। तो यहाँ पर आज जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो इलिप्टिकल मार्क्यूब टूल के बारे में, जिससे कि हमने लास्ट टाइम एडिटिंग तो की थी गाइस, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन रह गया था। वो ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो एंटी एलिस। जो गेमिंग वगैरह खेलते हैं तो इसके बारे में शायद वो जानते हो एंटी एलिस के बारे में। सो यहाँ पर मैं बेसिकली आपको डिफरेंस दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैं फॉरग्राउंड कलर को इसमें डालूंगा। फॉरग्राउंड कलर को डालने का तरीका मैंने आपको बताया था, ऑल्ट बैकस्पेस जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप इसके अंदर कलर को फिल कर पाओगे। और अगर यहाँ पर सेकेंडरी कलर यानी जो अभी व्हाइट है, वैसे अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मैंने रेड पे किया और मेरे को अगर ये वाला कलर करना है तो मुझे सिंपली कंट्रोल और बैकस्पेस करना होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं ऑल्ट बैकस्पेस करके फॉरग्राउंड कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एक मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, जो मैंने ड्रॉ किया है वो किया है चेक करके यहाँ पर एंटी एलिस को। अब मैं यहाँ पर एंटी एलिस को ऑफ करता हूँ और यहाँ पर एक और इलिप्टिकल को मैंने ड्रॉ किया और इस बार मैं एक और इसके ऊपर कलर डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर बेसिकली मैं डिफरेंस जो दिखाने वाला हूँ गाइस, वो आप अच्छे से देखना। यहाँ पर मैं जूम करने के लिए जेड को यहाँ पर करूंगा और इसके अंदर मैं जूम हो जाऊंगा। तो यहाँ पर बेसिकली आप अगर नए हैं तो आप इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कितना ज्यादा डिफरेंस और ये डिफरेंस क्या है। तो आप अगर लेफ्ट हैंड में देखो, ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसके जो एजेस है यहाँ पर कितने ज्यादा शार्प आ रहे हैं। बट इन दिस केस जहाँ पर मैंने एंटी एलिस को ऑफ किया था, यहाँ पर देख सकते हो कुछ ये पुराना जो होता था ना फोटोशॉप गाइस, उसकी तरह यहाँ पर आ रहा है। तो ये जैसे जैसे जनरेशन जो है अभी आपकी हाई होती जा रही है, वैसा यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा गाइस। यहाँ पर आप जो है अपना रिव्यू मतलब कि कमेंट और अपना लाइक करना गाइस मत भूलना, क्योंकि रियली में बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। सो आप जो है अपना सपोर्ट बना कर रखिए। सो यहाँ पर सब आगे चलते हैं, आगे जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक और टूल को आज हम कवर करने वाले हैं, वो यहाँ पर लैसो है। सो लैसो टूल्स होते हैं, यहाँ पर तीन तरह के लैसो के अंदर ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपको लैसो टूल। सो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ वैसे कि क्या है ये इसका मेन पर्पस। अगर यहाँ पर आप कुछ भी स्मूथ एंड अपने फ्री हैंडली कुछ भी सिलेक्शन करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपका सेलेक्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे करके आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर और ऑप्शन मिल जाता है, वो है पॉलीगनल। सो पॉलीगनल क्या होता है वो यहाँ से आपको मैं बताऊंगा। अगर आप लाइन वाइज सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको जूम करता हूँ, जूम करने का तरीका मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ऑल्ट प्रेस करेंगे और स्क्रॉल व्हील को आप यूज करेंगे। सो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर स्पेस बार को यूज किया तो मेरा जो पेन टूल है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने इस लाइन को यहाँ पर सेलेक्ट किया, दूसरा लाइन यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, फिर यहां से मैं पेन टूल को लूंगा और नीचे चले जाऊंगा, यहां पर मैंने किया, उसके बाद एक और पॉइंट सेलेक्ट करना है तो फिर इस एंड पर आऊंगा, यहां पर भी मैंने किया, फिर स्पेस बार और यहां पर मैंने इसको सेलेक्ट किया। सो इस तरह से जो मेरा सिलेक्शन है गाइस यहां पर हो जाता है। उसके बाद मैंने लास्ट ऑप्शन आपको मैंने बताया था कि अगर आपको इन्वर्ट करना है सो राइट क्लिक करके आप यहां पर इन्वर्ट कर सकते हैं। बट इन दिस केस हम यहां पर जो करने वाले हैं उसको आप अच्छे से देखना गाइस। यहां पर मेरे को इसकी एक कॉपी बनानी है, सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो यहां पर एक आप ऑप्शन देख पाओगे लेयर वाय कॉपी। आप ये भी कर सकते हैं यहां पर, या तो आप कर सकते हैं कंट्रोल जे। अगर यहां पर मैं कंट्रोल जेड करता हूं जिससे वो मेरा जो मैंने बनाया था लेयर वो यहां से चला गया, एंड उसके बाद अगर मेरे को सेम यही कमांड यानी कि लेयर वाय कॉपी मुझे ये करना है, सो उसके लिए मैं सिंपली कंट्रोल जे करूंगा। जैसे मैं कंट्रोल जे करता हूं आप देख पाओगे कि आपका जो सिलेक्शन था जो अभी हमने यहां से किया था पॉलीगन से वो यहां पर आ गया गाइस। उसके बाद गाइस यहां पर जो
इमेजेस है, ये मैं इमेजेस यहीं से ले रहा हूँ, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, unsplash करके एक है .com, यहाँ से आप 100% फ्री में अपने प्रैक्टिस के लिए हाई रेजोल्यूशन फ्री में ले सकते हैं। सो गाइस अभी यहाँ पर आपने सीखा कि कैसे मैंने सिलेक्शन किया पॉलीगन से। उसके बाद गाइस यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपका मैग्नेटिक। सो मैग्नेटिक क्या होता है उसके लिए मैं एक और इमेज यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर अभी आपने देखा लैसो से फ्री हैंड और पॉलीगन से लाइन वाला, मैग्नेटिक नाम से ही क्लियर होता है गाइस यहाँ पर आप मैग्नेट के थ्रू यहाँ पर करते हो। लाइक यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट आपको जो विड्थ रहेगा यहाँ पर 10 मिलेगा गाइस। एक और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं कैसे इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे अपने माउस के बटन को तो आप यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है वो कर पाएंगे। जितना आप यहाँ पर वैल्यू को कम रखोगे उतना सिलेक्शन होने में आपको दिक्कत आएगा। दिक्कत क्या आएगा वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जो बाय डिफॉल्ट में आपको 10 मिलता है, अब यहाँ पर अगर मैं अपने माउस को लेकर जा रहा हूँ तो गाइस देख सकते हो आप कितने फास्ट वे में मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। और अगर आपको लगता है गाइस कि आप कहीं पर गड़बड़ हो गए तो आपको सिंपली क्या करना होगा, बैक स्पेस को आपको क्लिक करते रहना होगा। जैसे ही आप बैक स्पेस को करोगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर वो अपने आप स्टॉप कर देगा। अगर गाइस आपको खुद से बाय डिफॉल्ट करना है तो आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेरे को अगर बारीकी से करना है तो सिंपली मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा जूम हो जाऊंगा। तो यहाँ पर आप जो है बैक स्पेस करें एंड यहाँ पर आप जो है इजी वे में कर पाएंगे इसको। सो ये तो एक तरीका हुआ गाइस कि आप कैसे इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपका बन जाएगा, फिर आप कंट्रोल जे करेंगे तो आप इसका कॉपी बना पाएंगे। सो गाइस अभी आपने देखा, बट यहाँ पर अगर मैं सही से नोट करूँ तो यहाँ पर फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई। सो अगर आपको इस मिस्टेक से बचना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो आप अच्छे से देख लें। सो यहाँ पर मैंने जो भी था बाय डिफॉल्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर अब मैं विड्थ को इसको बढ़ाऊंगा। अगर गाइस यहाँ पर मैं विड्थ को बढ़ाता हूँ तो जो कलर की सिलेक्शन यानी कि होती है ये गैप अच्छे से लेता है गाइस। अभी देखो अगर मैं यहाँ पर कितने फास्ट वे में मैं यहाँ पर माउस को चला रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये जो कलर को सेलेक्ट कर रहा है वो काफी एजेस तुरंत कर रहा है। मतलब कि आप जितना ज्यादा यहाँ पर जैसे गलती हुआ तो आप बैक स्पेस करेंगे एंड आप यहाँ पर मान लो कि आप चाहते हो कि अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हो तो आप वहां पर क्लिक भी कर सकते हो उस पॉइंट पर जाकर। सो यहाँ पर मैंने बारीकी से गया और यहाँ पर क्लिक किया तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो गया। अभी जो माइनर माइनस है यहाँ पर जो आपको मिस्टेक्स दिख रहे हैं इसको तो आपको मैन्युअली ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप शॉर्टकट कमांड को भी यूज़ कर सकते हो वैसे तो यहाँ पर अगर आप करते हैं शिफ्ट को क्लिक तो आप जो है ईजी वे में यहाँ पर इसको कर पाएंगे। या तो यहाँ पर आप जो है लैसो को भी यूज़ कर सकते हैं काफ़ी ईजी वे में। सो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके आप देख सकते हो मैंने किस तरह किया। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको जूम इन आउट होना है। सो उसके लिए आप जेड कर सकते हो या तो आपके पास ये ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर टॉप पे आपको मिलता है। अगर आप 100 पे क्लिक करोगे तो आपको 100% जूमिंग मिल जाएगी। फिट स्क्रीन करोगे तो पूरा जो इमेज है वो पूरे स्क्रीन पर फिट हो जाएगा। फिर यहाँ पर फुल स्क्रीन अगर आप करते हैं सो पूरा इस टेम्पलेट पर फुल हो जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिलता है, अगर आप यहाँ पर एफ क्लिक करते हो तो आपका इसमें तीन वेरियंट है। पहला वेरिएंट आपको जो नॉर्मल देखने को मिलता है, दूसरा ये कि आपका जो स्टार्ट मेन्यू होता है नीचे वाला वो सब कुछ यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। उसके बाद एक और बार अगर मैं यहाँ पर एफ पे क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल प्रॉपर वे में फुल स्क्रीन पर हो जाता है। फिर यहाँ पर आप इजी वे में कुछ भी सिलेक्शन कर सकते हैं। सो यहाँ पर वापस जाने के लिए मैं फिर से एफ को प्रेस करूंगा और आपका फुल मोड यहाँ पर ऐसा आ जाएगा विद मेन्यू के साथ। फिर यहाँ पर सिंपली जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कंट्रोल जी अगर आप करते हैं सो आप इसका कॉपी यानी कि लेयर कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो लेयर है वो इजी वे में कॉपी हो गया। जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने कैसे यहाँ पर सिलेक्शन आपको मैंने बताया। यहाँ पर होपफुली आपको तीनों क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इन तीनों के अंदर और कुछ भी खास नहीं है गाइस। यहाँ पर अगर आपको मैं बताता हूँ एक और कि आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं कुछ और ऑप्शन है कॉन्टैक्ट और फ्रिक्वेंसी, आपको गाइस इसको नहीं छेड़ना, और सेलेक्ट एंड मास्क, इसके बारे में हम एडवांस में बात करेंगे आगे जाकर। अभी देख सकते हो राइट हैंड साइड में एक नया टेम्पलेट ओपन हुआ है। सो अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे इसलिए मैं यहाँ पर स्केप कर देता हूँ। गाइस स्केप से याद आया, अगर यहाँ पर आप कुछ भी कर रहे हैं और किसी भी वजह से यहाँ पर बाहर नहीं आ पा रहे तो आपको उस केस में क्या करना होगा, सिंपली आप स्केप बटन को प्रेस करेंगे और आप इन टूल से बाहर आ सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इस लेयर को करता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद यहाँ पर कुछ और नए टूल्स हैं जो कि क्विक में, अभी तो इन तीनों को मैंने बताया बट गाइस ये मोस्ट प्रोबेबली यूज होता ही नहीं है, बट मेरा काम था बताना तो मैंने यहाँ पर इनको बता दिया। फिर अब आगे चलते हैं गाइस, यहाँ पर आपको और भी तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है गाइस, सबसे पहले हम सीखते हैं मैजिक
वेन टूल। सो ये वेन टूल होता क्या है यहाँ पर, उसको हम समझने के लिए एक दूसरे इमेज पर जाते हैं। गाइस अगर मुझे इस इमेज को सेलेक्ट करना है मैजिक टूल के थ्रू, तो आप यहाँ से काफी इजी वे में कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर मैं सिंपली एक बार क्लिक करता हूँ, तो आप जैसे कि देख सकते हो गाइस, जो भी मेरे इस कलर के थ्रू कंटिन्यूटी थी वो यहाँ पर सारा सेलेक्ट किया। बट आप कहोगे गाइस कि यहाँ पर भी तो फोटो पे, मतलब ये कलर तो यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पर क्यों नहीं हुआ। गाइस ये कुछ इस तरह से है, अगर आपका जो पॉजिटिव वायर है जिसमें करंट होता है, अगर आप उससे चिपके हुए हैं तो ही आपको करंट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। सो यहाँ पर आपको अगर इसको भी करना है एक साथ, इसी सिमिलर कलर के सेलेक्ट करने हैं, सो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो समझ लीजिए। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट जाता हूँ, और यहाँ पर आप एक ऊपर ऑप्शन देख सकते हैं ये कॉन्टिजियस। सो आप इसको अगर ऑफ करते हैं और यहाँ पर सिंगल क्लिक करते हैं, तो जो भी इसके कलर सिमिलर रहेगा वो आप यहाँ से इजी वे में कर पाएंगे। गाइस हो सकता है आपको सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया। तो कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पर मैं ऊपर वाले पोर्शन को मेरे को सेलेक्ट करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा एक बार, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। लेकिन लेकिन गाइस यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपका टॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या होता है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। मान लो कि आपने इसकी वैल्यू को कम किया, अब यहाँ पर मैंने जब क्लिक किया तो आप देख सकते हो पहले से ज्यादा कम कलर को लिया। अगर यहाँ पर आप वैल्यू को जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी ज्यादा वो उसी लाइक सिमिलर कलर को ये चूज करता है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू को ज्यादा 55 कर देता हूँ, सिंगल एक बार क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कितने इसने फास्ट वे में आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, सेलेक्ट इनवर्स आप अगर करते हैं यहाँ पर और कंट्रोल जे करते हैं, सो आपका ये वाला जो लेयर है माउंटेन का नीचे वाला पार्ट किस तरह से आपने क्विक वे में सेलेक्ट करके दिखाया गाइस। होपफुली जो भी मैं बताता हूँ आपको गाइस पसंद आ रहा हो। सो गाइस लाइक करते जाइए यार, मतलब लाइक करो कमेंट करो, जिससे मैं अभी मोटिवेट हूँ। और आपका तो गाइस मतलब आप तो सीख ही रहे हो गाइस मेरे से। सो यस यहाँ पर इतना करने के बाद गाइस यहाँ पर और बताता हूँ मैं आपको एक और ऑप्शन जो है बहुत इंटरेस्टिंग, वो गाइस है आपको आपका क्विक सेलेक्शन टूल। क्विक सेलेक्शन टूल बेसिकली मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, उसके लिए मैं यहाँ पर इस इमेज के ऊपर आऊंगा और यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक छोटा सा सर्कल, अगर आप इसको साइज को इंक्रीज करना है तो आप कैसे करोगे, आप देखो अपने कीबोर्ड के अंदर O और P उसके साथ दो ब्रैकेट वाले आपको वो दिखते हैं। अगर यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन वाला क्लिक करोगे तो आपका जो है छोटा होगा, और अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप P के साथ में जो बिग ब्रैकेट होता है वो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। आप करके देखना गाइस आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको मिल जाता है मैन्युअली, अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर टॉप पर आप जाकर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कितने क्विक वे में यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। गाइस यहाँ पर अगर आपको इसको नेग्लेक्ट करना है इस सूरज वाले एरिया को, तो आप यहाँ पर सिंपली या तो ऊपर से आप क्लिक कर सकते हो इसको, या तो आप यहाँ पर करोगे सिंपली ऑल्ट प्रेस, और यहाँ पर आप अगर छोटा सा क्लिक करते हो थोड़ा सा भी तो आपको ये जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आपको बहुत बचा बचा कर काम करना होता है, जिसमें कि यहाँ पर हमारी डिटेलिंग क्योंकि ज्यादा होती है। अब यहाँ पर मेरे को और छोटा करना है, सो यहाँ पर मैं और छोटा कर दूंगा, और यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो गाइस ये काफी ईजी वे में इसको मैं नेग्लेक्ट कर पाऊंगा। नेग्लेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप कैसे यहाँ पर कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर अपने हार्डनेस और इन सबको भी आपको यूज करना होगा, जिससे कि आप जो है इसके सिलेक्शन को और बारीकी से कर पाए। गाइस इसके बारे में हम और बात करेंगे डिटेल में, मतलब कि कैसे आप इतने छोटे छोटे को डिटेल में कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट अभी आप इतना समझ लो कि कैसे आपको करना होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ गाइस ब्रश को अपने, और यहाँ पर इसको भी ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने किया, और यहाँ पर कंट्रोल जे करता हूँ, यहाँ पर मेरे एक लेयर है जो कि नया क्रिएट हो चुका है। सो क्रिएट होने के बाद इसको, मतलब अभी हम करने के वाले बहुत इंटरेस्टिंग, ये अगर आप वीरे के बारे में कुछ भी जानते हैं तो वीरे एक रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में मैंने डिटेल बता दी थी, और ये आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर है। सो इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते सो हाँ एक आर्किटेक्चर अच्छे से जानता होगा, सो आप इसको अच्छे से समझ लेना गाइस। या आप अगर नॉर्मल फोटो एडिटिंग भी कर रहे हैं कोई भी, तो आप इसको अच्छे से समझ लो। कि अभी देखो मैं इसके स्काई को चेंज करने वाला हूँ, वो मैं बहुत ही सिंपल स्टेप में करने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ पर जो मैंने लेयर को बनाया है इसको मैं सिंपली कंट्रोल सी करूंगा, और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी करूंगा। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एक लेयर आपके सामने क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मुझे इसको ऊपर नीचे करना होगा। गाइस यहाँ पर आप ध्यान देना,
यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी पोजीशन को नीचे चेंज किया तो आप देख सकते हो कैसे ऊपर नीचे यहाँ पर चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करना है, आपको सिंपली इस लेयर के ऊपर जाओगे और मूव टूल को लोगे और थोड़ा सा इसकी पोजीशनिंग को आप ऊपर कर दोगे। सो आप देख सकते हो काफी इजी में मैं यहाँ पर अपने स्काई को चेंज किया। हम आगे और भी ज्यादा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आप कैसे कैसे और एडिटिंग कर सकते हो। सो यहाँ पर आपने सीखा कि कैसे अभी हमने स्काई को अपडेट किया। गाइस रेंडरिंग के टाइम पे हम इसी तरह से यूज करके और भी बैकग्राउंड्स को ऐड करते हैं और आपको लगता है कि ये स्केचअप सॉरी ये एक वीरे का लुक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो झांसा देना होता है। सो आप इसको यूज करके अपने काम को और भी एडवांस कर सकते हो गाइस। होपफुली मैं जो भी बताया इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आया। सो ओवरऑल आपको मैंने आज पूरा का पूरा सिलेक्शन बता दिया। उसी के बाद यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है। सो गाइस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है यहाँ पर हम समझ लेते हैं। सो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए हम जाते हैं अपने फ्रूट वाले के अंदर। अब यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर क्या है इसको एक ऑब्जेक्ट समझ रहा है, और अगर यहाँ पर आप रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं सो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली इस फ्रूट को अपने आप ही यहाँ पर ले लेगा। सो यहाँ पर आप सिंपली अगर आप इसको डीसेलेक्ट करना चाहते हैं सो आप कंट्रोल डी कर सकते हैं। मैं ये सब आपको क्यों बार बार बता रहा हूँ शॉर्टकट कमांड, बिकॉज इससे आपका जो काम है गाइस बहुत ही ज़्यादा फास्ट रन होगा। फिर यहाँ पर आपको मैंने सारे सिलेक्शन टूल को यहाँ पर बता दिया, मे बी यहाँ पर मैंने कुछ आपको छोड़ा होगा। सो और भी एडवांस हम सीखेंगे गाइस कैसे कैसे हमें करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कितनी ईजी वे में सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे करता हूँ और अब आप देख पाओगे कि ये बीच वाला आपका तुरंत यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। आप इसको इन फ्यूचर यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर यूज कर सकते हो गाइस। यहाँ पर जो भी मैं टिप्स बताता हूँ आप उसको एक कॉपी पेन पे जरूर उसको नोट आउट करना। सो आज की वीडियो में इतना काफी, आगे हम और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज यार गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना। सो जब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।